चीन श्रीलंका से 1,00,000 बंदर खरीदने जा रहा है। इसके पहले चीन पाकिस्तान से हजारों गाधे खरीद चुका था। चीन ऐसा क्या करने जा रहा है जिसके लिए उसे 1,00,000 बंदर और हजारों गाधे खरीदना पड़ रहा है। दरअसल चाइना 1,00,000 बंदर मंगा है श्रीलंका से, इसलिए श्रीलंकन सरकार 1,00,000 बंदर देने को तैयार हो गए है। श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा ने बताया है, अभी के टाइम में बंदर श्रीलंका में 30,00,000 से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि कृषि में बहुत ही ज़्यादा फसलों को नुकसान कराती है। इन्हीं में से 1,00,000 बंदर चाइना को दिया जा रहा है। दरअसल चाइना ने बताया है इस बंदरों को चाइना की 1,000 से भी ज़्यादा चिड़ियाघरों में रखेगा, लेकिन चाइना की बातों का इतना ही गारंटी है जैसा उनकी सामान का गारंटी होता है। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना में गाधे का और बंदरों का मांस बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे में गाधों का डिमांड पाकिस्तान पूरी कर रहा है और बंदरों का डिमांड श्रीलंका ने, लेकिन चाइना एक एक बंदर पकड़ने की और बंदर श्रीलंका से चाइना परिवहन का पूरा खर्चा चाइना उठा रहा है। दरअसल एक एक बंदर के पीछे चाइना का 50,000 से भी ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। क्या इतना पैसा चाइना सिर्फ खाने के लिए खर्च कर रहा है? तो फ्रेंड्स, आपका क्या राय है कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।